बिहाइंड मी यू कैन सी इस कैलाशा टेम्पल, और जाने के लिए हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं। इसकी बहुत मस्त वाली स्टोरी है। और ये जो है मेन हिंदू टेम्पल, जब उन लोग ने बनाया था तो मेन ये है। और ये जो पूरा आपको कार्विंग दिख रहा है, इसको ऊपर से नीचे तक ख़त्म किया था। मतलब पहले ऊपर से शुरू किया, फिर उसके बाद इसको नीचे लेकर गए, वहाँ से उन्होंने शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक पूरा उन्होंने एंड किया है। कितना कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। पता था वो जो फर्स्ट वाला दिख रहा है वो शिव जी का वहाँ पे शिवलिंग है, उसके बाद यहाँ पर आप आओगे सेकंड यहाँ पर नंदी जी का ग्रह है, एंड थर्ड यहाँ पर ये है म्यूजिकल रूम। फाइनली मेड इट टू द टॉप, और हम लोग वहां से, यहाँ से आप देख रहे हो, वहां से पूरा चलकर यहाँ तक आए। और हाइट देखो यार कितनी है, मतलब मुझे तो लगता है ये 10 से 12 फ्लोर तो इजीली है। और यहाँ से व्यू भी बहुत ज्यादा मस्त है। बट क्या बनाया इंजीनियरिंग वो टाइम की, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आज ऐसा कोई बना पाएगा। अब हाथ से सब कुछ हैंडमेड है, ये दिख रहा होगा, ये व्हाइट जो कलर दिख रहा होगा, इसको पेंट करने का ट्राई किया गया था 18th century के भी पहले, तो बट ये हो नहीं पाया क्योंकि ये आपको पता है, जैसे कि मैंने बोला, ये बेसाल्ट रॉक है, ज़्यादा क्लाइमेट से अफेक्ट होता है और इसीलिए इसका जो कलर है वो फेड हो गया। बट अभी भी थोड़ा है, बट बाप रे लुक एट दिस, मुझे तो डर लग रहा है। और अभी जाते हैं इसके अंदर और देखते हैं कैसा है। नाउ आई एम एंटरिंग कैलाश टेम्पल। अंदर मुझे लगता है काफी अंधेरा होगा और काफी गर्दी है, अंधेरा अंदर ज्यादा कुछ नहीं। ओ बॉय क्या आर्किटेक्ट है यहाँ पे, बाप रे ऊपर देखो, ऊपर से नीचे, ओ गॉड। तो अभी यहाँ पर कोई नहीं है, पूरा खाली हो गया। और आप देखते कितना ज्यादा बड़ा है, एक्चुअली मेरे हाइट का, मेरी हाइट 5'6" है, तो शायद उससे भी ये बड़ा है क्योंकि ये थोड़ा नीचे है और उतना ज़्यादा मेंटेन नहीं है यहाँ पर पूरा। अगर मेंटेन किया जाता तो बहुत ज़्यादा और ब्यूटीफुल लगता, बहुत ज़्यादा डिवाइन है, बहुत पुराना है। मतलब चलो अभी चलते हैं। थिंक आई हैव सीन, दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट शिवलिंग पेंट आई हैव सीन। और हर पिलर पे ये लोग ने बनाया, मतलब देखो अंदर काफ़ी अंधेरा है, ज़बरदस्त है। महाभारत के जितने भी छोटे बड़े एपिसोड्स थे यहाँ पर पूरे उसको कल्चर में बताया है। और ये जो पूरा टेंपल है इसको ऐसा दिखाया कि ये हाथी है और लायन पे, हाथी और लायन इसको सपोर्ट दे रहे नीचे, ऐसा वो लोग ने कार्व आउट किया है। और ये सब जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे, महाराज लोग जो रहते थे, यानी कि जो यहाँ पे पूजा वगैरह करते थे वो यहाँ पे रहते थे। तो ये देखो, ये पूरा एलिफेंट एंड लायन को सपोर्ट देते हुए ऐसा दिखाया कि टेंपल को खड़ा हुआ है। एक वहाँ पर एक गुफा भी है, तो वो गुफा जो बोलते हैं, मतलब आजकल के साइंटिस्ट बोलते हैं कि वहाँ पर एक गुफा है, वो गुफा इसके नीचे, यानी कि ये जो मैं खड़ा हूँ इसके नीचे एक पूरी सिटी है, वहाँ पर एक पूरी सिटी है। और वहाँ पर एलियंस लोग, यानी कि कोई और देश के लोग, कोई एलियंस लोग यहाँ पर रहते हैं और उनकी पूरी एक सिटी है। साइंटिस्ट लोग ये भी बोलते हैं कि ये मैन मेड है ही नहीं, ये एलियन लोग ने बनाया है। बट पता नहीं एलियन लोग को भी इस सब में इंटरेस्ट था कि नहीं, पता नहीं। सीधे ही माउंटेन है ये मेरे ऊपर, और यहाँ पर ये पूरा टेंपल है। मास्क निकाल दो क्योंकि अभी आजू बाजू है कोई नहीं, इसे काव आउट किया है। पहले वो लोग ने ऊपर से शुरू किया, वहाँ से ऊपर से शुरू करते करते यहाँ से वो नीचे आया, यहाँ से कट किया, ये किया, और सेम चीज़ उन्होंने यहाँ से भी शुरू किया। यहाँ पे टॉप दिख रहा नहीं है, ये टॉप से शुरू करते करते दे गेम डाउन एंड देन फिनिश्ड हियर, दैट इज द टॉप आई वॉज टॉकिंग अबाउट।
दिस इज द अदर साइड, और ये पूरा रामायण का स्टोरी. एक्चुअली रामायण काफी छोटी है, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ रामायण वर्क्स. सो यहाँ पर काफी छोटी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं आपको एंड का बताता हूँ, स्टार्टिंग का वहां से शुरू है रामायण का, एंड एंड का यहाँ पे आप देख सकते हो, वानर सेना थी पत्थर उठा उठा के वो राम सेतु बना रही है, एंड देन लास्ट में ये लोग सब लोग मिल के रावण को मारते हैं, एंड देन रावण का जो मुंडी है उसको उड़ा देते हैं राम जी. तो ये रहा रावण का मुंडी. Absolutely stunning. मतलब चलो, आई थिंक वी आर डन फॉर द एलोरा केव्स. निकलते हैं अभी थोड़ी देर में, अगर और कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो आई लेट यू नो. सो वी आर ऑफिशियली डन विद एलोरा केव्स. सुपर खड़ा, क्या क्या वर्ड्स बोलूँ, बहुत सही था. इतना साल पुराना और ऐसा आर्किटेक्चर आपको किधर देखने में मिलेगा, बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड द वर्ल्ड्स बॉम्ब. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको ऐसे ही नहीं बोला है. तो अभी बज रहा है 5, और अभी हम लोग शायद निकल रहे घर की तरफ, घर के यानी होटल की तरफ. और हम लोग ने 2 से 3 किलोमीटर तो वॉकिंग कर लिया यार. आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ राइड वी हैव कम टू पंचक्की. पीछे आप देख सकते हो पंचक्की है यहाँ पर. जो मेरे पीछे फाउंटेन देख रहे हो वो 300 साल से लगातार बिना करंट बिना किसी फोर्स से चल रहा है. वो यहाँ के एक बाबा ने एक सोत निकाला था, और वहाँ पर से इतना ज़्यादा उसका फोर्स है पानी का, वो करंट से पानी गिरता है. उससे ही पहले के ज़माने में उन्होंने एक चक्की बनाई थी जिससे कि गेहूँ पीसता था. एक बार में 150 kg के भी ऊपर गेहूँ पीस जाता था. तो अभी तो वो वॉकिंग में नहीं है, बट यहाँ पर जो ये पानी है वो मैं आपको भी बताता हूँ, पूरा 300 ईयर्स अगो का है. ये रहा फाउंटेन और ये सेम वाटर फोर्स. मैं आपको जो चक्की बता रहा था वो चक्की यहाँ पर है. ये जो पानी है इसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर लिया जाता है, ये देखो यहाँ पर इसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर लिया जाता है, और ये चक्की ऐसे घूम रही है, ये देखो राइट, यहाँ पर ये ऐसे घूम रही है. और उसके बाद जहाँ पर अपना गेहूं डालते हैं वो यहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर बीच में गेहूं डालते थे, और यहाँ से गेहूं पीस के आटा. पता तो ये जो पानी है वो 6 किलोमीटर दूर से आता है, और 300 ईयर से लगातार आ रहा है विदाउट एनी फोर्स एंड विदाउट एनी मोटर एंड विदाउट एनी पंप. सो बहुत बड़ी बात है. हम लोग अंदर भी गए थे, अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है. हम लोग गए थे अंडरग्राउंड हॉल में, और वहाँ पर थोड़ा अंधेरा टाइप है, और वो बंद है. अभी आज का डे यहाँ ही ख़त्म करते हूँ, अभी होटल जाता हूँ एंड देन वहाँ पर वीडियो एंड करते हैं. सो इट्स 10:30 राइट नाउ, और इतना ज़्यादा थक गए थे हम लोग, 1 घंटे पहले रूम में आए, थोड़ी देर के लिए लेट गए, एंड वी डिसाइडेड लास्ट हैव टू गेट द फूड एट आर रूम. सोचे थे नीचे जाकर खाएंगे, बट अब यहाँ पर ही खाते हैं. पैर इतना ज़्यादा दुख रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा वॉकिंग किया ना आज. तो इसको फटाफट खाते ख़त्म करते हैं एंड देन वीडियो को एंड करते हैं. टेस्टी खाना था यार, और कल क्या हो गया है, अभी मैं जाके सीधा सोने वाला हूँ, बहुत ज्यादा नींद आ रही है. कल हम लोग एक और एक अच्छी जगह पे और बहुत मस्त जगह पे जाने वाले हैं. तो जब तक के लिए, आपको आज का एलोरा का वीडियो अगर पसंद आया और पंचक्की का वीडियो भी पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करना इस वीडियो को, और बहुत ज्यादा पसंद आया तो शेयर भी कर देना, और अगर उससे भी ज्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो यार, फ्री है. सो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में. टिल देन बाय एंड पीस आउट. वो क्या करता है रे तेरी तो